Thank you.
एवरीवन, वेलकम। तो आपको पता है कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम लोग 35-40,000 तक पहुंचे थे तो मैंने सोच के रखा था जब 50 हो जाएंगे तो मैं ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, वीडियो बनाऊंगी इस तरह से। बट अब जब बोलने का टाइम आ गया है तो अभी मुझे कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा है कि कुछ ऐसा मुझे ये सब बोलना है। बट मुझे एक चीज अभी फील हो रही है कि ये टाइम है सबको क्रेडिट देने का जो जो मतलब डिजर्व करते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा चैनल यहाँ तक पहुंच पाया है तो क्रेडिट किस किस को जाएगा, तो सबसे पहले क्रेडिट तो माता रानी को जाएगा, गॉड। तो मुझे हाँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड करी थी ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम वी आर अ साइंस स्टूडेंट, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप भगवान जी को मानते हो, तो आंसर इज येस। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ भगवान जी में, और मैं ये भी मानती हूँ, एक बात ये होती है कि जो भी हमारे साथ होता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही आपके साथ, पर मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो भी होता है, जैसे भी होता है, सब कुछ भगवान जी देख रहे होते हैं। और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो ना हो, बट मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो ऐसा सिर्फ मेरा खुद का मानना है ऐसा। अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँ, अगर मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत ही बड़ा रोल होता है ब्लेसिंग्स जो होती है उन सबका, और भगवान जी सब चाहते हैं आपको कुछ देना, तो मतलब एक्चुअल में आपको मिलता है वो। अगर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूं अपनी लाइफ का, तो जब मैंने दिसंबर 2017 में जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट के लिए अपियर किया था, तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था, और मैं 3 नंबर से रह गई थी। तो उस टाइम का अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स जो थे, मेरे क्लासमेट्स, ऑलमोस्ट सबका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि इतनी मेहनत के बाद भी जेआरएफ क्यों नहीं हुआ है। तो उस दिन आपको सही बताती हूँ, रिजल्ट वाले मैं बहुत अपसेट थी, मतलब मुझे लग रहा था क्यों नहीं हुआ भगवान जी, मतलब ऐसा क्या हो गया। उसके बाद बट ऐसा ठीक है, 6 मंथ्स का पीरियड आया, उसमें बहुत बुरा लगा था। नेक्स्ट टाइम पेपर दिया 6th रैंक का भी, तो आप समझो इतनी पेशेंस जो दिखाई मैंने 6 मंथ्स में, उसका रिजल्ट मुझे भगवान जी ने दे ही दिया, डायरेक्टली 6th रैंक आ गई मेरी। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, जो भी मानते हैं भगवान जी को, जो नहीं मानते हैं वो आपका पर्सनल वो है, लेकिन जो नहीं भी मानते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी को जरूर फील करते होंगे, उन्होंने अपनी कभी लाइफ में फील करी होगी, और ये सब है। तो भगवान जी का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि आप जैसे जितने एफर्ट्स डालते हो ना, जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो फिर काम करने का मन नहीं करता है। उसके बाद अगर हम सेकेंडली बात करते हैं फैमिली सपोर्ट की, तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। कुछ अच्छा रिजल्ट देते हैं तो हर कोई सपोर्ट करता है, बट कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है, या फिर जैसे भी मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मोटिवेशन आप लोगों को लगता होगा हमेशा ही खुश रहती हूँ, आपको दिखता है वीडियोज में, हमेशा ही मोटिवेटेड रहती हूँ। तो यस, मोटिवेटेड रहती हूँ मैं, पॉजिटिव रहने का ट्राई करती हूँ, बट कभी भी अगर डिमोटिवेट होती हूँ तो मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उसके बाद आते हैं आप सब, क्योंकि भगवान जी और फैमिली तो पहले भी थी, जो नई फैमिली ऐड हुई है वो आप सबकी है। अभी तो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, और आपका इतना कॉपरेशन, इतना पॉजिटिव फीडबैक मुझे स्टार्टिंग से ही मिलता रहा है। जैसे आप लोग मुझे हमेशा बोलते हो कि मैम आप फ्री में इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ठीक है, पैसे सब कुछ नहीं होता है ना। अब आप जैसे मैं इस तरह से सोचती हूँ कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है, बहुत सारी वीडियोज अपलोड करी है, अब आपने कोई वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, और आपको मन में ऐसी खुशी हो रही है कि वाह, मतलब मुझे ऐसा होता है, अगर मैं कुछ सीख लेती हूँ, एक क्वेश्चन लगाती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि चलो मेरा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ऐसा ही आपको भी होता होगा, आपको कुछ नहीं आता है, आपने वीडियो देख ली, उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन लगाया है और आपका आंसर आ गया, तो आपके मन में क्या बात आती होगी, यही ना कि कितना अच्छा काम कर रही है मैम, मे गॉड ब्लेस हर। तो जो ये ब्लेसिंग्स निकलती है ना, या फिर आपके मन में इतनी अच्छी बात आती है कि मतलब मैं जितना मतलब जो भी है, जो भी ये चाहती है उसको मिल जाए, तो ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, चाहे आप मुझे बताओ ना डायरेक्टली, बट आपके मन से तो निकली ना ये बात, तो ये वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, विशेष जो आप लोग मुझे देते रहते हो, जो इतना पॉजिटिव फीडबैक आता है, मैं कोई भी आपके नया स्टेप लेती हूँ, कुछ करवाते हो, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है मुझे, तो फिर मेरा भी करने का मन करता है। तो सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं कि कुछ कर रहे तो बाद में पैसे ही मिलेंगे तो ही हम करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर अब ना मुझे सीरियसली ऐसे पहले लगता था, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग या फिर ये मटेरियल, उनके लिए मेरा चैनल हेल्पफुल होगा। बट जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे पता चला है कुछ बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मतलब डिजर्विंग है, उनको अगर सिर्फ एक डायरेक्शन कोई दिखा देना, उनको जरा सा उनको डायरेक्शन बता दे, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, वो लोग उड़ा देंगे पेपर को। तो मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और अगर उनको कुछ हेल्प मतलब हो जाए किसी की, अगर किसी का पेपर निकल जाए, तो उससे ज्यादा मतलब जरूर थोड़ी पैसे मिलेंगे तो ही कुछ काम करेंगे। तो ऐसा है, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आप लोग भी तो मतलब मुझे क्या कर रहे हो, आप ऐसे सारा फीडबैक दे तो रहे हो, तो वही सब तो चाहिए होता है। आपको पता होगा मैंने 7th फेब को हमारा चैनल बना था जे केमिस्ट्री, है ना, तो अभी 7th अक्टूबर को 8 मंथ्स कंप्लीट होंगे, अभी अगर हम आज की डेट से देखें तो 7.5 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। तो 7.5 महीने में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस, हम 50,000 तक आ गए हैं, अभी काउंट ही कर रहे हैं।
तो अभी क्या है, इतना ज्यादा आपको मतलब आपने भी तो दिया है, तो बेसिकली ये क्या है, गिव एंड टेक। अगर मैं कुछ करी तो आप भी तो कर रहे हो, किसी दिन ऐसा हो जाएगा मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, फिर मेरे भी मन नहीं करेगा बनाने का। तो क्योंकि आप ये सब कर रहे हो इसलिए मैं सब कर पा रही हूँ। तो आप लोग ऐसे बोलते हो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना कौन करता है, तो इतना वो करते हैं जिनको बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक, लव, सपोर्ट, कोऑपरेशन हर तरफ से मिल रहा होता है, वो ये सब करते हैं। और थैंकफुली मतलब मैं हूं, मतलब ऐसे है कि मतलब मुझे हमेशा ही बहुत सारा मतलब आपको आपका मिलता रहा है प्यार टाइम टू टाइम पे। तो अभी ना बात करते हैं, ये सब तो हो गया, थैंक यू सो मच। अभी मुझे पता है आप वीडियो क्यों देख रहे हो, बट ये भी है कि सुनना भी चाहते हो, लेकिन मेन तो वही वाले पॉइंट है कि अनाउंसमेंट कब होगी जिसके लिए पोस्ट डाली गई थी। तो सबसे पहले तो उस पोस्ट में जो क्वेश्चन थे, राम ये फोटो आपकी है क्या? तो यस, फोटो मेरी ही है। और किसी ने पूछा था मैं आपके बाल छोटे लग रहे हैं, तो बाल छोटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि फोटो बहुत पुरानी है, वो मेरी एमएससी फर्स्ट ईयर की फोटो है, अगस्त 2017 की फोटो है इसीलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रिटर्न गिफ्ट की कुछ बात हो रही थी, वो क्या मिलने वाला है। सो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि गिव अवे करते हैं, कोई बुक किसी को हम देते हैं, बट मुझे फिर ऐसे लगा कि इससे तो सिर्फ किसी एक ही का फायदा होगा, किसी एक ही को बुक मिलेगी, लेकिन फैमिली तो 50,000 सब्सक्राइबर्स की है, तो सबको क्या मतलब ऐसा क्या कर सकते कि सबको बेनिफिट हो। तो सबसे पहले मैंने सोचा है एक बात, देखो ध्यान से सुनना, तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये है, अभी आपको चैनल पे कमिंग डेज में, आज तो नहीं कल से मिलनी स्टार्ट होगी, साइलेंट सॉल्यूशन सीरीज। सीरीज का नाम ही होगा साइलेंट सॉल्यूशन। अभी जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, साइलेंट सॉल्यूशन से मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको मतलब ऐसा आपको मेरी वॉइस सुनाई नहीं देगी उसमें, तो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा, जो भी होगा आपको रिटर्न में दिखेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, करेंगे ये कि जो IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे और जो CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर हिंदी वाले बच्चे हो, तो सब क्या प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली जैसे रिसेंट वाले जो पेपर्स हैं, जैम का जो रिसेंट पेपर हो गया या फिर नेट का जो पेपर हो गया, इनके सॉल्यूशन हमें कहां से मिलेंगे। तो जो लोग कोचिंग जा रहे हैं उनको तो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उनको एक्सप्लेन मतलब करवाया जाता है कोचिंग में, बट जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको इनके आंसर्स कहां से मिलेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि सबको हेल्प करने के लिए मैं एक काम कर सकती हूं कि जो क्वेश्चंस हैं रिसेंट वाले पेपर से जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे, वीडियोस ऑल्टरनेट आएंगे मतलब जैम की और नेट की। तो बेसिकली क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी एकदम डिटेल में, जितनी डिटेल हो सकते हैं उतनी डिटेल में, और उसमें मैं मेन फोकस इस बात पे करूंगी कि कौन से मिस्टेक्स हैं उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते हो, क्योंकि कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एग्जामिनर ने कोई ना कोई तो दिमाग लगा के वो क्वेश्चन आपको डाला है, वो कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो आपसे करवाना चाहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो ये कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है, मैं कर सकते हो, कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन वाली होगी, तो इस तरह की मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें। उसके बाद उस क्वेश्चन को मतलब कौन से कॉन्सेप्ट वहां पर चाहिए होंगे, और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कैसे ट्रिक लगा के कैसे करके उसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है, उस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो ये साइलेंट सॉल्यूशन सीरीज के नाम से मतलब आपको वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे चैनल पर। और जिनको ये लग रहा है कि इसकी वजह से जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो हमें क्वांटम करना है और ऑर्गेनोमेटालिक्स और फोटोकेमिस्ट्री की जो बात हुई है वो तो चलेंगे, क्योंकि वो तो जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से आते रहेंगे। जो ये साइलेंट सॉल्यूशन वाली बात है, ये आप में से मुझे किसी ने नहीं बोला, मैंने खुद स्टार्ट करी है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसकी वजह से मेरा बाकी वाला सिलेबस इफेक्ट ना हो, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट, उसके टेंशन मत लो। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि टाइम निकाल के इसको आपको देख लेना, बहुत ही बेनिफिशियल होगा मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी देखना, आपका फीडबैक तो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट तो ये है, इसमें चाहे इंग्लिश हिंदी जैसे मर्जी बोलने वाले बच्चों, बट लिखा हुआ तो आपको समझ में आएगा ना, इंग्लिश में ही होता है वो, तो है ना, वो तो हम हर कोई समझ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड वाली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उससे तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बोलनी है। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, उनको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में शायद हमारे लिए ये हो जाए कि नया चैनल बन जाएगा इंग्लिश का या सबटाइटल्स ऐड हो जाएंगे, तो अभी के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अभी ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे अभी मैं खुद की स्टेबिलिटी के लिए भी एफर्ट्स डाल रही हूँ, है ना, और साइड में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इंग्लिश और हिंदी को दोनों को कंटिन्यू करूं। और कंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं कि मैं स्टार्ट तो कर दूं, 10 वीडियोस के बाद मुझे फिर टाइम ना मिले, तो ऐसा नहीं करना है। जब स्टार्ट होगा तो जैसे अभी हिंदी वाला चल रहा है वैसे ही इंग्लिश वाला भी फुल स्पीड से चलेगा, और उनके लिए तो ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि उनको भी सेम लेवल पर लेकर आना है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, आई श्योरली स्टार्ट, और जब स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा, जैसे ही टाइम मिलेगा ना उस दिन पक्का मैं स्टार्ट करूंगी, बट अभी के लिए नहीं। बट यस, आप साइलेंट सॉल्यूशन वाली सीरीज देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ओके,
अब आते हैं सेकंड अनाउंसमेंट पे, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा आई नो। पहले भी बार बात करी थी हमने, बट इस बार फाइनल है ये। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड सीरीज। यस गाइस, चैनल पे एप्टीट्यूड सीरीज आपको देखने को मिलेगी। आपको पता है सीएसआईआर नेट में और गेट में एप्टीट्यूड का एक पोर्शन आता है। सीएसआईआर नेट में 30 मार्क्स का है, गेट में 15 मार्क्स का है। तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपके नेट को कन्वर्ट करने में जेआरएफ में। अगर आप जेआरएफ ऑलरेडी लेकर आए हो केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, तो आप बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हो और एप्टीट्यूड कुछ कवर कर लेते हो तो। और गेट में तो रैंक के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है एप्टीट्यूड, है ना। तो आपको एप्टीट्यूड सीरीज देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, क्या रहेगा? तो वो ये रहेगा कि देखो, एप्टीट्यूड का ना ऐसा सीन होता है कि जैसे ना केमिस्ट्री में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि इस वाले चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम यह है कुछ भी चीजों का ना आपको ट्रेंड नहीं मिल पाएगा कि ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए ना हम ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट 2-3 साल में अगर रिपीट हो रहा है ना, फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, तो उसको हम डिस्कस कर लें, क्योंकि चांसेस है कि उसको फिर से पूछा जाएगा। तो अभी ट्राई करते हैं, जो साइलेंट सॉल्यूशन वाली सीरीज है या फिर एप्टीट्यूड सीरीज है, ये नेट का पेपर जो है अपना 15 दिसंबर तब तक कंटिन्यू रहेंगी। और तब तक अगर आप ये मान लो हम 50-60 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अगर एप्टीट्यूड के, तो कुछ ना कुछ तो पेपर में पक्का करके आएंगे। अगर 50-60 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ के जा रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तो पेपर में 4-5 क्वेश्चन तो सोल्व कर लोगे। और मैं मिनिमम मान के चलो 5 क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स तो आ रहे हैं ना। 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको ये पता है, नेट की कट ऑफ और जेआरएफ की कट ऑफ में 10 मार्क्स का डिफरेंस ही रहता है, वो एप्टीट्यूड कवर करवा सकता है। तो ये हमारे सेकंड अनाउंसमेंट जिसमें एप्टीट्यूड सीरीज स्टार्ट होंगी। और अभी नेक्स्ट है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको स्टडी मटेरियल मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आपने देखा था ब्लॉग जो था, मैंने आपको बोला कि जो ब्लॉग है आप देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बट वहां पे इश्यू ये था कि बहुत सारी एड्स आ रही थी जिसकी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। बट अभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपको ब्लॉग दिखा देती हूँ। तो बेसिकली क्या है, अब जो ब्लॉग है वो एड फ्री हो चुका है, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है, कुछ नहीं आएगी कोई भी एड, आपका डायरेक्टली आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये ब्लॉग को, एक बार देख लेते हैं आपके सामने, दिखाती हूँ कौन सी चीजों को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर ये ब्लॉग आपके सामने है। अच्छा, एक और बात, जो स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है वो मेरा नहीं है, पर्सनली मेरा नहीं है वो। जो भी मटेरियल फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल बहुत सारी साइट्स पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिजिटली बहुत एक्टिव होते हैं, उनके पास सारा मटेरियल होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो उन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो बेसिकली जो सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है साइट्स पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर, उनको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर मैंने मतलब रखा गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली एक क्लिक पर। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे होम का बटन है, उसमें आपको दिख रहा है डाउट अगर आपको डिस्कस करना है, तो हमारे पास टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आप सर्च करना है JChemistry001। ऐसे करके आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने से क्या होगा, आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे फॉलोअर्स, और यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करने के बाद आप जीमेल आईडी मांगेगा, उससे होगा ये कि नेक्स्ट जो भी पीडीएफ यहाँ पे ब्लॉग पे डाली जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी आपकी मेल आईडी पर, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे आपको कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सीएसआईआर नेट पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको सीएसआईआर नेट का बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बस आपको काम इतना करना है, आपको देखना है आपके लिए कौन सी चीजें बेस्ट है, कौन सी पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डाउनलोड करो, वहां से पढ़ाई करो, ठीक है। तो सीएसआईआर नेट में आप देख सकते हो यहाँ पर करियर एंडेवर के नोट्स और असाइनमेंट्स जैसे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसे ही एएसएफ के असाइनमेंट्स, जैसे इसको आप ओपन करोगे, अगर मैं फर्स्ट वाली क्लिक पर मतलब प्रेस करती हूँ अगर, तो यहाँ से वापसी बेसिकली खोल रहा है वो किसी आईडी से। तो यहाँ पे सारे आपकी पीडीएफ ओपन हो गई है, किसी भी पीडीएफ पे आप क्लिक करो, किसी भी पीडीएफ पे क्लिक कर लो, सपोज करते हैं हम इस पे हमने क्लिक कर दिया, तो साइड में आपको डाउनलोड का लिंक यहाँ पर दिखेगा और डायरेक्टली आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप डाउनलोड कर लेना, ये 35 MB की फाइल है, टाइम लगेगा, तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको भी। तो इस तरह से आपका डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, सारे आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जून 2011 से लेकर 16 तक के पेपर्स आपके पास हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, सॉल्व वाले। तो ये सब अच्छे से देखते रहना, ऐसे ही गेट वाला आपको ओपन करके देखोगे तो गेट का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर जिससे सबसे ज्यादा नीड होती है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही एमएससी एंट्रेंस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, आईआईटी जैम के पेपर जनरली आपको साइट से मिल जाते हैं, बट जैसे सीयू सेट का पेपर हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर हो गया, या फिर डीयू के पेपर्स हो गए, वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। आप अपने जो भी आपको चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। बीएचयू के टीफर के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब आपको मिल जाएगा। रेफरेंस बुक्स के लिए आप मुझसे लिंक्स मांगते रहते हो, मैं देती भी रहती हूँ, बट स्टिल अभी आपको यहाँ पे सारी केएल कपूर की वॉल्यूम 1-5 आप यहाँ पर देख सकते हो। डायरेक्टली आपको क्लिक करना है लिंक पे और आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी।
ऐसे ही बहुत सारे बुक्स हैं, एटकिंस हो गई, कैरेक्टर्स, क्लेडन, उसका सोल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में आते हैं असाइनमेंट्स वाली बात, कि जो आपने वीडियोस देखी होंगी चैनल पर क्रैम्स टूल की हो गई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, उसमें कुछ असाइनमेंट देती हूँ मैं, तो वो सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो असाइनमेंट वाले लिंक पे क्लिक करके। तो ये हो गई हमारी बात, तो ये बात हो गई हमारी ब्लॉग की, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल की आप उसको रेफर कर सकते हो, देख लेना कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, उसको डाउनलोड करके पढ़ाई करो। अभी हम बात करते हैं अच्छा चैप्टर्स। तो हाँ, एक बात मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगी, मैंने बोला था क्वांटम और गैनोमेटालिक्स फोटोकेमिस्ट्री हम खत्म करेंगे टिल दिसंबर के 15 दिसंबर से पहले कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, इतना आप ट्रस्ट मुझ पे कर सकते हो कि ये वाले चैप्टर्स मैं आपके कवर करवा दूंगी, चाहे मुझे लास्ट में अगर कंप्लीट नहीं होता, चाहे मुझे दिन में 10 मिनट डालने पड़े, बट इस चैप्टर्स में कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी चैप्टर्स पे फोकस करो, ठीक है। ये साथ साथ वीडियो से करते रहो, साथ साथ जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते रहो, लास्ट में हम कर लेंगे कवर इनको, पक्का कर लेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटालिक्स में इसी वीक से स्टार्ट करवा रही हूँ। उसके बाद आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक फोटो। सो गाइज, थैंक यू सो मच। ये जो फोटो है, बेसिकली एक स्टूडेंट है संदीप राजपूत, उसने ये फोटो बनाई है। मेरी पता है इसको फोटो कहां से मिल गई, क्योंकि स्टार्टिंग वाली जो वीडियो थी शायद उसमें मैंने एक दो बार लगाई थी, मे बी उसने वहां से ली हो फोटो। तो उसने ये फोटो बनाई है, मेरी ड्राइंग आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच संदीप, आपने बहुत ही अच्छे से काम किया। मैं घर में सबको दिखा चुकी हूँ, मेरी फोटो बनाई, मतलब काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, आप भी देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी, मतलब आर्ट तो सही में टैलेंट होता है, टैलेंट की बात होती है, वरना हमको, मैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं खिंचवाती हूँ, ऐसी वाली बात है। सो थैंक यू सो मच संदीप। उसके बाद अच्छा, अब मैंने जो पोस्ट डाली थी, मैंने आपसे पूछा था कि मतलब कौन से आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या क्या हो सकता है, तो अपने बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि शायद मैम आप लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो। सो गाइस, लाइव क्लासेस का आइडिया बहुत अच्छा है, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ अभी, तो मेरे को भी स्टेबिलिटी थोड़ी चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए ऑब्वियसली, और लाइव क्लासेस के लिए मैं टाइम अभी नहीं निकाल पाऊंगी। बट येस, फ्यूचर में हम श्योरली कंसिडर करेंगे इसको, और लाइव क्लासेस भी मैं लूंगी, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जैम के स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो बोलते हैं कि मैम नेटोगेट का बहुत फोकस करते हो, जैम का भी कुछ करो। सो गाइज, ऐसा है जो जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर एमएससी में अभी बीएससी में है अपनी, उनके लिए जो चैप्टर्स मैंने अपलोड करे ना, सारे कॉमन होते हैं। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा है जो आपको नहीं पढ़ना है, या पढ़ना है तो सिर्फ 1 to 2 वीडियोस उसकी देखनी है। तो मैं एक काम करूंगी, जैम वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी जो चैप्टर्स अभी तक अपलोडेड है चैनल पर, उनमें से कौन सी वीडियो आपको कौन से पार्ट तक देखनी है, ठीक है। और ये साइलेंट सॉल्यूशन में तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, साइलेंट सॉल्यूशन में तो स्टार्ट कर ही दिया, जैम के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि मैं अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो। सो गाइज, एक बार मैं क्लियर पहले भी कर चुकी हूँ, मैं फिर से कर रही हूँ, मैं जे केमिस्ट्री को छोड़ के कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करूंगी, चाहे वो अनअकैडमी हो या फिर कोई और भी प्लेटफॉर्म हो, तो मैं वो सब ज्वाइन नहीं करूंगी। जब मेरे पास जे केमिस्ट्री का प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी ऑडियंस है सुनने के लिए, मैं खुद इतने एलिजिबल हूँ, इतना मैं पढ़ा सकती हूँ, मतलब यहाँ पे तो पढ़ाने के लिए आपको आना चाहिए, तो जब मैं खुद इस चीज के लिए मतलब कैपेबल हूँ, तो मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मुझे, जो रेगुलर क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर में कर रही हूँ। आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम व्हाई आर यू नॉट वर्किंग, आपके पास नेट में इतनी अच्छी रैंक है, जेआरएफ में इतनी अच्छी रैंक है, गेट में इतनी अच्छी रैंक है, तो आप वर्क क्यों नहीं कर रहे हो कहीं पर। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो आप किसी कोचिंग सेंटर में तो पढ़ा सकते हो। तो इन सब का आंसर देखो ऐसा है, मुझे देखे कभी ऐसे मत सोचना कि जब इनको जॉब नहीं मिल रही इतनी अच्छी रैंक के बाद, तो हमें क्या मिलेगी। तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस, जॉब्स तो है, अगर मैं चाहूँ तो जॉब मतलब कर सकती हूँ। बट ये होता है ना कि हर किसी का कुछ टारगेट होता है, मतलब हर किसी को कुछ चाहिए होती है एक पर्टिकुलर चीज, अगर वो ना मिले तो फिर आसपास कुछ भी मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो मैं चाहूँ तो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकती हूँ, आप रैंक अगर अच्छी लेकर आओगे 98 में, किसी भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाना चाहोगे, चाहे वो 11-12 के बेस पर नीट और जेई की कोचिंग होगी या फिर नेट और गेट की होगी, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ये हर जगह जहां पर कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। बट अभी जो टारगेट है मेरे को अपना, वो वाला कंप्लीट करना है। ये वाली जॉब्स तो ऐसा है कि हम कर लेंगे। और अगर आप मेरे से बात करते हो कि मैम आपको लगता होगा कि मतलब थोड़ी सी जॉब करनी चाहिए, कुछ अर्निंग भी मैटर करती है, सो गाइस अभी ऐसा है कि फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उनका मानना ऐसा है कि अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी एमएससी, अभी एज ही क्या हुई है, तो जॉब तो आप एक साल के बाद भी कर लोगे, बट अभी फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, स्टेबिलिटी पे फोकस करो, जॉब तो किसी भी दिन पकड़ के कर लोगे। तो सब लोगों की सिचुएशन मेरे जैसे नहीं होती है, कुछ को अर्न करना पड़ता है, हर किसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग होता है, बट अभी के लिए थोड़ा सा स्टेबल हूं मैं, मतलब ठीक है, थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ खुद पे, कॉन्सेप्ट इंप्रूव कर रही हूँ, ठीक है। तो जिस दिन टारगेट मीट हो जाएगा उस दिन आपको जरूर बताऊंगी। उसके बाद एक लास्ट बात आती है कि मैम आपसे सिर्फ अगर इन जनरल पूछा जाए तो रिसर्च और टीचिंग में आप किसको प्रेफर करोगे। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं रिसर्च और टीचिंग में किसको प्रेफर करूंगी। गाइस, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है,
और पढ़ाने के लिए मुझे ऐसा नहीं है कि अगर मेरा नेट क्वालिफाई नहीं भी हुआ होता तब भी मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। तो अगर मुझे किसी भी दो जिसमें ऑप्शन दिया जाए मैं हमेशा ही टीचिंग को चूज करूंगी। अगर आप मुझे कोई और जॉब दिखा के बोलोगे ये वाली या फिर ये वाली रिसर्च और टीचिंग में, तो मैं टीचिंग को ही मतलब प्रेफर करूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, रिसर्च में इंटरेस्ट है लेकिन टीचिंग में उससे ज्यादा इंटरेस्ट है। सो आई होप जितने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहती थी मैंने कर लिए हैं। गाइस एक बार फिर से बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच फॉर द कॉपरेशन, आप लोग हमेशा ही इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो, इतना मोटिवेट करते हो जिसकी वजह से अगर किसी दिन टाइम नहीं भी होता ना बनाने का वीडियो, और मुझे लगता है कि अब तो बनानी है वीडियो, मैं जैसे जैसे टाइम निकालने का ट्राई करती हूँ। सो अपना कॉपरेशन और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेगा और अभी 50,000 के नेक्स्ट टाइम मिलेंगे 75,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर